अस्सलाम वालेकुम मेरे फार्मर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल वेटरनरी प्लैनेट। दोस्तों, आज हम एक पेशेंट के पास मौजूद हैं जिसको फूड पॉइजनिंग हुई है बकरी को। इन्होंने सब्ज़ी मंडी से सब्जियों के पत्ते जो हैं वो खिलाए हैं, जिसकी वजह से इसको डायरिया वगैरह लगा है। नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि वेटरनरी प्लैनेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक पेशेंट के पास मौजूद हैं बकरी के पास। इसको फूड पॉइजनिंग हुई है। इन्होंने गोभी के पत्ते जो है वो खिलाए हैं। ये देखें, गोभी के पत्ते पड़े हुए हैं नीचे। ये सब्ज़ी मंडी से लेकर आए थे, इन्होंने खिलाए हैं, तो उसके बाद इसको डायरिया हो गया। और टेम्परेचर चेक करने के लिए हमें थर्मामीटर लगाया हुआ है, तो अभी देखते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना है। उम्मीद है कि जो नॉर्मल होगा, बिल्कुल ये सब नॉर्मल होगा। तो जी ये चेक करें, बिल्कुल 102 नॉर्मल टेम्परेचर है। तो अभी हम इसको ट्रीटमेंट देने लगे हैं, वो अभी ट्रीटमेंट आपको दिखाते हैं क्या ट्रीटमेंट देनी है। तो इस मकसद के लिए जो अब हम इसको ट्रीटमेंट देने लगे हैं, उसमें हम इसको एक तो एंटीबायोटिक देंगे सेरीफ्लॉक्स, इसमें हमारे पास मौजूद है एंड्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है, ये हम इसको देंगे एंड्रोफ्लॉक्सासिन। अच्छा, इसके साथ हम यूज़ करेंगे छोटे जो बच्चे हैं, ये हमारे पास मौजूद है एंटिल, ये हम यूज़ करेंगे। साथ में हम यूज़ करेंगे इसको जो पॉइजनिंग हुई है उसके लिए हमारे पास मौजूद है एट्रोपिन सल्फेट, तो ये हम यूज़ करेंगे। और इसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं विटामिन, मौजूद है विटामिन B12 के नाम से, ये भी हम यूज़ करेंगे। और इसके साथ में ये हमने यूज़ करना है इसके स्टमक पेन के लिए, वो हम यूज़ करेंगे मिलोफर, जिसमें है मिलोक्सिकेम। ये ट्रीटमेंट हमने इसको लगानी है, तो हम इसको करते हैं ट्रीटमेंट। तो हमारे पास जो इसके तो सबसे पहले हम इसको लगाएंगे एट्रोपिन, इसका 5 ml एट्रोपिन जो है हम सरिंज बगैर वॉश किए ये दोनों लगा सकते हैं। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, इसको हमने 4 ml जो है विटामिन लगाना है। इसके बाद हमने तीन ml हम इसको एंटी लगाएंगे, कर जाए अभी हम इसको मसल दो इसको। हाँ, चलो भाई, अभी हमने इसको ट्रीटमेंट देनी है वो मिलोफर, ये लगाना है अभी हमने इसको। तो थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए बंदा मौजूद नहीं है, तंगी हो रही है। मैं आपको बताता हूँ कि मिलोफर हमने लगाना है इसको 3 ml, और एंड्रोफ्लॉक्सासिन जो है हमारे पास 2% में, यानी कि 200 mg में है। और भी लगेंगे जी? 20% में, हाँ जी लगेंगे दो और। तो ये हमने लगाना है इसको 2 ml, ये लगाना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।
सब्सक्राइब तो आपने कर दिया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट्स कीजिए और अपने सजेशंस भी नीचे कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। अल्लाह हाफिज़।